हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑडियो रिविजन ऑन द टू SREs दैट इज़ रिव्यू स्टैंडर्ड्स फॉर CA फाइनल ऑडिट। तो SRE 2400 एंड SRE 2410 हम लोग ये आज रिवाइज करेंगे। तो आप लोग जिस भी फैकल्टी के नोट से पढ़ रहे हो, यू कैन ओपन देम एंड यू कैन रिवाइज विद मी। सो सी जो एक CN प्रैक्टिस है वो दो तरीके की एंगेजमेंट्स करता है। एक वो करता है एश्योरेंस एंगेजमेंट और दूसरी वो करता है नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं उसमें भी जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसका एक तो होता है ऑडिट और एक होता है रिव्यू, राइट। तो जो रिव्यू होता है ना, तो जब भी कोई ऑडिटर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के रिव्यू के लिए जाता है तब वो लगाता है वहाँ पर SREs दैट इज़ स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। नाउ अगर हम एक बार डिफरेंस देखें दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू, तो वो ये होता है कि ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, दैट मीन्स हाई एश्योरेंस बट दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन जो रिव्यू होता है ना उसमें एक लिमिटेड एश्योरेंस रहता है। रिव्यू में हम लोग बहुत ज़्यादा चेकिंग नहीं करते। रिव्यू का मतलब ही ये होता है कि एक तरह से आपने उसको रिव्यू कर लिया, मतलब एक बार देख लिया, ठीक है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस जिसमें आपको लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलता है। उसके बाद में आता है कि जो ऑडिट है उसमें होते हैं एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स, लेकिन जो रिव्यू होता है उसमें बहुत कम प्रोसीजर्स होते हैं। तो जैसे कि इसमें प्राइमरीली फोकस उनका होता है, जब भी कोई ऑडिटर रिव्यू के लिए जाता है तो उसका जो फोकस होता है वो होता है, एक्चुअली आई एम नॉट यूजिंग द राइट टर्म ऑडिटर, यहाँ पर जो टर्म होना चाहिए वो प्रैक्टिशनर होना चाहिए। तो जब भी कोई प्रैक्टिशनर रिव्यू के लिए जाता है तो वो क्या करता है ना, उसका मेन फोकस रहता है ऑन एनक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। वहाँ पर और सारे बहुत सारे जो और प्रोसीजर्स होते हैं वो नहीं लगते हैं, बट वाइल द ऑडिटर डज ऑडिट तो वहाँ पर वो एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगाता है। उसके बाद में एक और डिफरेंस है, वो ये है कि जब हम ऑडिट करते हैं तो रीजनेबल कंक्लूजन्स पे हम पहुँचते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर है, लेकिन जब हम रिव्यू करते हैं ना तो हम लोग क्योंकि जब चेक ही नहीं कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो ऑब्वियसली हम लोग एक रीजनेबल कंक्लूजन तक तो पहुँच नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन होता है दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड। उसके बाद में जो ऑडिट है वो प्रोवाइड करता है एश्योरेंस ओपिनियन, और जो लैंग्वेज होती है उस एश्योरेंस ओपिनियन की वो जनरली पॉजिटिवली वर्डेड होती है। लेकिन जब हम रिव्यू करते हैं ना तो वहाँ पर एश्योरेंस कंक्लूजन होता है, एंड वो जो कंक्लूजन की लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, नेगेटिवली वर्डेड होती है। ये कैसे होती है अभी हम जब आगे करेंगे SRE तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, पहला है रीजनेबल एश्योरेंस इन ऑडिट, उसमें लिमिटेड एश्योरेंस, देन रीजनेबल कंक्लूजन, लिमिटेड कंक्लूजन, एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स, फ्यूअर प्रोसीजर्स। फिर यहाँ पर क्या होता है, एश्योरेंस ओपिनियन होता है ऑडिट में, लेकिन रिव्यू में क्या होता है, एश्योरेंस कंक्लूजन होता है जो कि नेगेटिवली वर्डेड होता है। और ऑडिट करता है ऑडिटर और रिव्यू करता है एक प्रैक्टिशनर। ऑल्सो एक चीज़ और है कि अगर आप जो हो एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स कर रहे हो तो ऑडिट में टाइम ज़्यादा लगता है इन कंपैरिजन टू रिव्यू। तो हम लोगों के लिए रिव्यू के लिए ना दो SREs बने हुए हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। SRE 2400 बात करता है अबाउट द एंगेजमेंट्स दैट आर फॉर द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और जो SRE 2410 है वो बात करता है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दैट इज परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ एंटिटी। तो एक तरह से जो SRE 2400 है ना उसमें क्या होता है, उसमें जब जो प्रैक्टिशनर है वो रिव्यू करता है तो वो जो प्रैक्टिशनर होता है वो वहाँ पर ऑडिटर नहीं होता है, वो वहाँ पर केवल रिव्यू के लिए आता है। लेकिन जब हम इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना तो वहाँ पर जो ऑडिटर होता है ना वही रिव्यू भी करता है। तो एक तरह से SRE 2400 में आप समझ सकते हो कि वहाँ पर जो ऑडिटर और प्रैक्टिशनर है वो दोनों अलग अलग होते हैं, बट SRE 2410 में सेम होते हैं, जो पर्सन ऑडिट करता है वही रिव्यू करता है। और बाकी जो इसमें भी कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जैसे लिस्टेड एंटिटी वगैरह, तो वो अभी हम स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे ना तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा वो। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद SRE 2400।
सो द नेम ऑफ SRE 2400 इज एंगेजमेंट्स टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब ये वाला जो स्टैंडर्ड है ना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि देखो, एक तो जो प्रैक्टिशनर है वो ऑडिटर नहीं होता, वो केवल वहाँ रिव्यू करने के लिए आता है। एंड उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो लिमिटेड एश्योरेंस लेना होता है। एंड लिमिटेड एश्योरेंस में भी वो क्या करता है, वो परफॉर्म करता है आपके इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, राइट। अब हम आते हैं कि क्या क्या यहाँ पर स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वाइल्ड प्रोसेस ऑफ रिव्यू। तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका एक्सेप्टेंस। जब तक आप कोई भी एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करोगे तो यू कैन नॉट प्रोसीड विद इट। तो जिस तरह से हम लोग जब ऑडिट करते हैं तो उसमें हमारा प्राइमरी स्टेप एक्सेप्टेंस रहता है, उसी तरह से जब हम रिव्यू करते हैं तभी हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज़ एक्सेप्टेंस ओनली। तो पहला जो स्टेप है दैट इज़ एक्सेप्टिंग रिव्यू एंगेजमेंट एंड अग्रीइंग ऑन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब कोई भी एंगेजमेंट है, अगर आप अपनी भी एंगेजमेंट करोगे तो यू बोथ हैव टू अग्री, राइट। आपका जो भी, आप जिसको भी अपना स्पाउस बनाना चाहोगे, यू बोथ विल हैव सम टर्म्स एंड ऑन दैट टर्म्स जब तक आप लोग अग्री नहीं हो जाओगे तब तक इट विल नॉट बी पॉसिबल कि आप दोनों अपनी एंगेजमेंट करो। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा होता है, चाहे कोई भी एंगेजमेंट हो, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू ऑडिटिंग, रिव्यू, एश्योरेंस, कोई भी एंगेजमेंट हो, यहाँ पर ज़रूरी होता है कि आप उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड यू आर अग्रींग ऑन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ये इफ़ेक्ट करेंगे दैट वेदर यू शुड एक्सेप्ट द रिव्यू एंगेजमेंट और नॉट, कि मतलब जो प्रैक्टिशनर है वो इस बात के लिए कैसे राज़ी हो जाए कि उसको उस फर्म का जाकर के रिव्यू करना है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ना जो स्टैंडर्ड है उन्होंने यहाँ पर वो बातें बताई हैं जो अगर हुई, वो कंडीशंस बताई जो अगर हुई तो प्रैक्टिशनर रिव्यू एंगेजमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो देख लेते हैं, जो प्रैक्टिशनर है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा रिव्यू एंगेजमेंट अगर उसको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रेशनल पर्पस तो है ही नहीं और यहाँ पर रिव्यू अप्रोप्रिएट है ही नहीं, वो यहाँ पर तो कोई और एंगेजमेंट होना चाहिए। जैसे कि सपोज़ जो लॉ या रेगुलेशन है वो रिक्वायर कर रहा है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होना है और आप पहुँच गए कि आप हमारा प्लीज़ रिव्यू कर दो, तो जो जिसके पास में भी आप जाओगे ना प्रैक्टिशनर के पास में, वो बोलेगा कि यहाँ कोई रेशनल पर्पस तो है नहीं, आपका जो फॉर्म है उसका रिक्वायरमेंट तो ऑडिट कराना है, तो आप रिव्यू कैसे करा रहे हो। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट है, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि जो रिव्यू है वो अप्रोप्रिएट नहीं है सर्कमस्टांसिस में और यहाँ पर उसको कोई और एंगेजमेंट करना चाहिए, तो ये मतलब सेम ही पॉइंट हो गया, रेशनल पर्पस और रिव्यू इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। तो ये दो पॉइंट्स अलग अलग हैं बट इनका एक तरह से सेम ही मीनिंग हो गया। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि वहाँ पर एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हैं ही नहीं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं ही नहीं, ठीक है, मतलब वहाँ पर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हैं। और एथिकल रिक्वायरमेंट्स में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप रिव्यू करने जा रहे हो ना तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में वहाँ इंडिपेंडेंस भी आ गया, क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी की भी अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं हो, यू आर गिविंग योर ओपिनियन बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव चेक्ड। तो अगर आप किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में हो गए दैट मीन्स यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, तो आप ऑब्वियसली सही ओपिनियन नहीं दोगे, सही कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जज दैट वेदर आई विल बी एबल टू परफॉर्म इंडिपेंडेंटली हियर और नॉट। तो प्रैक्टिशनर को ये चीज़ भी यहाँ देखनी है। उसके बाद में अगर प्रैक्टिशनर को डाउट है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन जो प्रैक्टिशनर है उसके पास में कोई प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग है जो ये इंडिकेट करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए टू परफॉर्म रिव्यू एंगेजमेंट वो है ही नहीं इन लोगों के पास में, या अगर है तो गलत सलत है, इट इज़ नॉट रिलायबल, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड अगर मैनेजमेंट ने या TCWG ने स्कोप पे एंगेजमेंट के लिमिटेशंस लगा दिए हैं तो भी प्रैक्टिशनर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ना आपके एक तरह से सिक्स पॉइंट्स हैं। तो सिक्स पॉइंट्स क्या क्या हैं, एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। नंबर वन इज़ वहाँ पर कोई भी रेशनल पर्पस नहीं है, प्रैक्टिशनर को लग रहा है कि अप्रोप्रिएट नहीं है सर्कमस्टांसिस में। थर्ड पॉइंट इज़ एथिकल रिक्वायरमेंट जो है वो वहाँ नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज़ जो इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रैक्टिशनर को दैट इज़ व्हाट अनरिलायबल। फिफ्थ पॉइंट इज़ गलत सलत जो है वो इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद में मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे डाउट है। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज़ अगर जो है मैनेजमेंट या TCWG ने लिमिटेशन या लिमिटेशन लगा दिए स्कोप पे। मैं शायद कोई पॉइंट भूल गई ना, एक बार दोबारा से दोहराते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ रेशनल नहीं है। सेकेंड पॉइंट था आपका
कि अप्रोप्रिएट नहीं है सर्कमस्टांसिस में, कोई और इंगेजमेंट होना चाहिए. थर्ड पॉइंट इज़ एथिकल रिक्वायरमेंट. फोर्थ पॉइंट इज़ जो इन्फॉर्मेशन मिली है प्रैक्टिशनर को वो उसको ऐसा लग रहा है कि वहाँ अनअवेलेबल या अनरिलायबल है. देन फिफ्थ पॉइंट इज़ डाउट है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी में. एंड सिक्स्थ पॉइंट इज़ मैनेजमेंट ने या TCWG ने लिमिटेशन लगा दिया है स्कोप पे. तो अगर ये सिक्स पॉइंट्स में से कोई भी कंडीशन है तो जो प्रैक्टिशनर है, ध्यान रखना प्रैक्टिशनर बार बार बोल रही हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पर प्रैक्टिशनर और ऑडिटर दोनों अलग हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा एंगेजमेंट को. आई होप जिस तरह से मुझे याद हुआ उस तरह से आपको भी हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द एक्सेप्टेंस. में हम लोगों ने एक तो ये फैक्टर्स देख लिए कि कब कब हमें एक्सेप्ट नहीं करना. उसके बाद में हम दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, प्री कंडीशंस देखेंगे, प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट. तो ये आप लोगों ने जैसे S210 अगर आपको याद होगा तो ऐसे 210 में जो प्री कंडीशन है ना एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी हैं. वो क्या क्या प्री कंडीशंस एक बार रिपीट कर लेते हैं. तो वो ये थी कि वहाँ पर जो आपका रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं. उसके बाद में आप मैनेजमेंट से अग्रीमेंट लोगे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करते हैं कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर और प्रेजेंट करना है, उनको इंटरनल कंट्रोल्स को डिज़ाइन इम्प्लीमेंट और मेनटेन करना है, और उनको प्रैक्टिशनर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है जो भी वो मांगेगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है उन लोगों को जो भी एंटिटी के अंदर काम करते हैं. और उसके बाद में अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, प्रैक्टिशनर को जो भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसके साथ में उसको अग्री करना होगा. एंड फॉर दैट वो जो भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो कहाँ होंगे, एक एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड होंगे. तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा कि कब हम एक्सेप्ट करेंगे रिव्यू एंगेजमेंट्स को. उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो फैक्टर्स देखे, उसके बाद में हमने प्री कंडीशंस देखी, और फिर हम लोगों ने ये देखा कि जब अग्री हो जाएंगे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तो वो एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड हो जाएंगे. ठीक है, अब आपने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ आपने एक्सेप्ट कर लिया रिव्यू को कि आप जो हो वहाँ पर रिव्यू परफॉर्म करोगे. अब केवल एक्सेप्ट करने से तो बात बनेगी नहीं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रिव्यू एंगेजमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा. तो परफॉर्मिंग एंगेजमेंट के क्या क्या स्टेप्स रहते हैं. सबसे पहले आप एंटिटी में एंटर करते हो. इमेजिन योरसेल्फ कि आप एक प्रैक्टिशनर बन के जा रहे हो रिव्यू करने के लिए किसी भी एंटिटी का, एंड देन यू नो जस्ट इमेजिन कि आप क्या क्या करोगे. सबसे पहले यू हैव टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इन एप्लीकेबल FRF टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट. सबसे पहले जाओगे, समझोगे कि इस एंटिटी में क्या क्या है और क्या क्या यहाँ एप्लीकेबल FRF है. अब उसके लिए आपको क्या चाहिए होंगे, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होंगे, तो आप उनसे वो भी मांगोगे एंड बाकी भी चीज़ें आप क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे. तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इस एंटिटी में आप काम कर रहे हो, क्या रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, क्या क्या आपको मैटर्स को कंसिडर करना है. सेकेंड पॉइंट आपको क्या देखना है, सेकेंड पॉइंट आपको देखना होगा मटीरियलिटी लेवल आपको यहाँ कितना रखना पड़ेगा एज़ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल. एग्जैक्ट सेम ये ऑडिट में भी हम ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, देन हम डिटरमाइन करते हैं मटेरियलिटी लेवल को. मैं यहाँ पर बार बार ऑडिट रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आप फालतू में कन्फ्यूज़ हो गए, लेट्स कीप इट सेपरेट ओनली. ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमको रिव्यू में क्या करने हैं, हमें यहाँ सारे के सारे प्रोसीजर्स तो करने नहीं है, यहाँ हमें मतलब है केवल इंक्वायरी से और एनालिटिकल प्रोसीजर से. सो नंबर वन स्टेप हमने क्या करा, अंडरस्टैंडिंगली. नंबर टू स्टेप हमने क्या करा, मटेरियलिटी लेवल एज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल डिटरमाइन करा. देन नंबर थ्री इज़ व्हाट वी विल डू प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स क्या क्या है, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स. अब ये जो इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स के पॉइंट्स हैं ना, ये आपको रटने पड़ेंगे, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. तो चलिए साथ में रटते हैं, मतलब मुझे भी रटने पड़ेंगे ऑब्वियसली. तो देखो सबसे पहले इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब क्या हुआ, कोई भी आपके इंक्वायरी करता है मतलब आपसे इन्फॉर्मेशन लेता है, उसी तरह से आप भी क्या करोगे, इंक्वायरी करोगे मतलब आप इन्फॉर्मेशन लोगे. अब इन्फॉर्मेशन लोगे तो जेन्युइन सी बात है उसी बंदे के पास जाओगे ना जिसके पास में इन्फॉर्मेशन होगी. सो दैट मीन्स यू हैव टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन इन दी एंटिटी. जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की आपको इंक्वायरी करनी होगी उस पर्टिकुलर इंसान के पास, उस डिपार्टमेंट का जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के पास उसका चार्ज होगा उसके पास जाओगे एंड यू विल ऑब्टेन दी इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सो इंक्वायरी में भी फर्स्ट स्टेप ये है दैट विद इन दी एंटिटी यू हैव टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी नॉलेजेबल पर्सन. अब आप क्या करोगे ना, जब आपने इन्फॉर्मेशन ले ली तो
एक तरह से जब आपने एक हेड से पूछा है या उस पर्सन से पूछा है जिसके पास नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, रिव्यू के ड्यूरेशन में ही जो जो एविडेंसेस आप ऑब्टेन करोगे नहीं, तो उसमें क्या होगा, जो भी एविडेंस आप ऑब्टेन कर रहे हो, तो आप उसको, अगर आपको उसकी एक्यूरेसी को चेक करना है कि एविडेंस ठीक है या नहीं, उसके लिए आप मैनेजमेंट से पूछताछ भी करोगे या उन लोगों से पूछताछ भी करोगे जिनके पास में उस वाली चीज़ का चार्ज है। तो एक तरह से जो इंक्वायरी है ना, उससे जो एविडेंस आपको मिलता है वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस होता है। तो वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस को ये चेक करने के लिए कि वो ठीक है या नहीं, टू कोराबोरेट एविडेंस, कीवर्ड क्या है, कोराबोरेट एविडेंस, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। तो फिलहाल कोराबोरेट एविडेंस का मतलब ये होता है टू सपोर्ट दी एविडेंस, ठीक है। तो जो भी आपको एविडेंस एट दी एंड मिलेगा ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए भी आप मैनेजमेंट से क्या लोगे, कुछ इन्फॉर्मेशन लोगे, उनसे यू नो रीजंस पूछोगे और उनकी इंटेंशन जानने की कोशिश करोगे, बिकॉज जो एविडेंस आपको मैनेजमेंट से मिलेगा ना, दैट विल बी प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस। उसके बाद में यहाँ पर एक और पॉइंट है इंक्वायरी में, और ये है कि इंक्वायरी से क्या होता है ना, हेल्प मिल जाती है प्रैक्टिशनर को, असिस्टेंस मिल जाता है कि वो अंडरस्टैंडिंग ले पाए एंटिटी की और उसके एनवायरनमेंट की, और आइडेंटिफाई कर पाए वो एरियाज जहाँ ज़्यादा मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं। तो तीन पॉइंट्स हैं एविडेंस इंक्वायरी में। नंबर वन इज़ नॉलेजेबल पर्सन से आप इंफॉर्मेशन लोगे। सेकेंड पॉइंट इज़ कि आप क्या करोगे, प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एविडेंस है तो दैट विल हेल्प टू कोरोबोरेट। देन थर्ड पॉइंट है कि वो असिस्ट करता है टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड ऑल्सो टू आइडेंटिफाई एरियाज जहाँ पर मटीरियल मिस स्टेटमेंट इज लाइकली टू अराइज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंक्वायरी। ये तीनों पॉइंट्स आपको रट जाने चाहिए एंड आई होप अब तक याद हो गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर हम क्या करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इनकंसिस्टेंसीज फ्रॉम एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स और वैल्यूज़। यहाँ पर जो एक ऐसे है एनालिटिकल प्रोसीजर से रिलेटेड, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, प्लॉजिबल रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो वही हम यहाँ जो है अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड ट्रेंड और वैल्यूज़ थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और एक्चुअली क्या ऑब्टेन हुआ है, क्या रिज़ल्ट आया है एक्चुअल सिचुएशन का, एंड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो उन दोनों के बीच में क्या क्या इनकंसिस्टेंसीज हैं, वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज इनकंसिस्टेंसीज। देन सेकंड पॉइंट जो है वो सेम है, अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर करते हो तो भी आपको ऑब्टेन करने में हेल्प होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड मटेरियल मिस स्टेटमेंट। देन थर्ड पॉइंट इज़ प्रोवाइडिंग कोरोबोरेटिव एविडेंस फॉर इंक्वायरीज ऑलरेडी परफॉर्म्ड। अब ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही थी ना प्रिंसिपल सोर्स वाला, ये उसी से ही रिलेटेड है कि जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी कर लेते हो एंड आप एक कंक्लूजन की तरफ पहुँचने वाले होते हो ड्यूरिंग द रिव्यू प्रोसीजर, तो आपने क्या इंक्वायरी में आपको पता लगा था, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स करके क्या हुआ है, तो उससे आप क्या करते हो, कोरोबोरेटिव एविडेंस तक पहुंचते हो कि अच्छा ओके हाँ ऐसी सिचुएशन है, उन्होंने ये बताया था, हमें ये मिला है, मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे है। उसके बाद में इसमें एक चीज़ और होती है कि एनालिटिकल प्रोसीजर में एक पॉइंट ये भी है दैट इट सर्व्स एज एन एडिशनल प्रोसीजर व्हेन प्रैक्टिशनर बिकम्स अवेयर ऑफ मैटर्स दैट कॉज हिम टू बिलीव कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियली मिसस्टेटेड हो सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो आप जो हो ये प्रोसीजर कर सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर भी बहुत ईजी सा है, इसमें सबसे पहले तो आपको हेल्प मिलती है टू आइडेंटिफाई द मिसस्टेटमेंट, फिर वही वाले पॉइंट से ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग और प्रोवाइडिंग कोराबोरेटिव एविडेंस, और ये जो है एक एडिशनल प्रोसीजर की तरह भी सर्व करता है। तो अभी तक अगर हम SRE 2400 देखें, इसका कोई भी क्वेश्चन आए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोगों ने एक्सेप्टेंस पढ़ा, एक्सेप्टेंस में हम लोगों ने 6 पॉइंट्स पढ़े, प्री कंडीशंस पढ़ी, और हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड होनी चाहिए। उसके बाद में हम लोग आ गए परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस में हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा, हमें अंडरस्टैंड करना है एंटिटी को, मटेरियलिटी लेवल देखना है, फिर हमने इंक्वायरी के बारे में पढ़ा, और फिर हमने एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा। तो अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है, और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप मैं भी गलत नहीं करूँगी एंड आप भी गलत नहीं करोगे। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो इसमें क्या होगा ना, परफॉर्म प्रोसीजर्स टू एड्रेस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अभी तक आपने क्या करा है, इंक्वायरी कर ली एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर लिए। अब क्या हुआ, अगर आपको कुछ ऐसा वहाँ पर मिला कि वहाँ पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई फ्रॉड है, या फिर वहाँ पर कोई नॉन कम्प्लायंस है, या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, या गोइंग कंसर्न एबिलिटी पे आपको डाउट है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैं, या फिर एंटिटी यूज़ कर रही है वर्क ऑफ दी अदर्स,
तो इन सब चीज़ों से भी आप थोड़ा थोड़ा रिव्यू करके इसके लिए भी कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर ना फ्रॉड है, तो उसका जो अच्छी तरह से चेकिंग होता है वो तो हम ऑडिटिंग में करते हैं, बट इंडिकेशन अगर आपको दिख रही है ना, तो क्या करो, वो TCWG को बता दो कि मुझे यहाँ पर फ्रॉड की इंडिकेशन दिख रही है। उसी तरह से अगर आपको वहाँ पर ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है, तो जब भी आप उसका रिव्यू कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहो कि यहाँ पर जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है कि मतलब वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स भी मैनेजमेंट के नोटिस में है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी एक बार रिव्यू कर लो। यहाँ पर आपको बहुत एक्सटेंसिव चेकिंग नहीं करनी है, बट अगर आपको ये सारे इंडिकेटर्स मिले हैं, तो यू डू नॉट हैव टू इग्नोर देम। आप जितना एक्शन ले सकते हो वो लो, और क्या करो, उन लोगों को बता दो, मैनेजमेंट और TCWG को, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको जो हो किसी भी सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में भनक लग जाती है, तो आप ये देखो कि उसका क्या एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर आपको देना चाहिए अपनी रिव्यू एंगेजमेंट में, और वो जो है वो उस एडजस्टमेंट के लिए मैनेजमेंट को आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि देखो देखो ऐसे मेरे को ये यहाँ लग रहा है, तो आप प्लीज़ ये एडजस्टमेंट कर देना। उसके बाद में अगर आपको ये भनक लग गई यहाँ पर कि यहाँ कुछ ऐसी कंडीशंस है ना कि गोइंग कंसर्न जो है वो ख़तरे में लग रही है आपको एंटिटी की, तो आप क्या करो, मैनेजमेंट से पूछो कि क्या प्लान्स हैं, हमें ऐसा ऐसा लग रहा है, आपके क्या प्लान्स हैं गोइंग कंसर्न एबिलिटी के लिए, अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है ना कि वो एंटिटी टिकेगी ही नहीं इन फ्यूचर उसके लिए। और आप जो हो इवेलुएट करो, जो जो आपने इंक्वायरी करी उसके रिजल्ट से आपको क्या लग रहा है गोइंग कंसर्न एबिलिटी के लिए। उसके बाद में यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स में ये है कि जब भी आप रिव्यू कर रहे हो ना, तो ज़रूरी तो नहीं है, बिकॉज़ आप एक रिव्यू कर रहे हो, एक लिमिटेड एंगेजमेंट है, तो ऑब्वियसली आप और लोगों के और प्रैक्टिशनर्स के और ऑडिटर्स की रिपोर्ट को पढ़ोगे ही। तो अगर जो प्रैक्टिशनर है वो किसी और का वर्क यूज़ कर रहा है, तो उसको ये चीज़ का सेटिस्फैक्शन लेना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप रिपोर्ट यूज़ कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आप अपना कंक्लूजन निकाल रहे हो, वो वहाँ जो वहाँ वर्क हुआ है वो एडिक्वेट है, या फिर वो किसी एक्सपर्ट इंसान ने ही करा है। तो ये कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स हैं, ये कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स हैं जो आपको कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में करने होंगे, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, लेकिन ये जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, जैसे इंडिकेशन, कम्युनिकेट टू TCWG, तो ये वाले जो कुछ वर्ड्स हैं इसको ध्यान में रखना। जैसे फ्रॉड में क्या है, इंडिकेशन अगर आपको लग रही है तो कम्युनिकेट करो TCWG को, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो अलर्ट रहो, सब्सिक्वेंट इवेंट है तो एडजस्टमेंट का देखो, गोइंग कंसर्न है तो इंक्वायर करो, इवेल्युएट करो, और वर्क ऑफ अदर्स में ये देखो कि एडिक्वेट है वर्क या नहीं, और एक्सपर्ट ने कराया या नहीं। उसके बाद में एक और सिचुएशन आ सकती है आपके सामने कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले थे वो मटेरियली मिस स्टेटेड है, वहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो फिर आप क्या करोगे। अब देखो यहाँ पर ना, अगर प्रैक्टिशनर को पता लग जाता है अबाउट द मैटर्स जिनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिस स्टेटेड हुए हैं, तो फिर वो क्या करेगा, वो डिज़ाइन करेगा और परफॉर्म करेगा एडिशनल प्रोसीजर्स। अगर आपको ये पता लग जाता है कि यहाँ पर जो है, जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले हैं वो क्या हैं, वो मटेरियली मिस स्टेटेड है, मतलब वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हैं, तो फिर आप ये देखो कि वो जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो क्यों है वहाँ, वाई इज़ इट एग्जिस्टिंग। तो उसके लिए आपको कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स करने होंगे टू डिटरमाइन जिन मैटर्स की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल मटेरियली मिस स्टेटेड हो रहे हैं। आई डोंट नो मैं मटेरियलिटी क्यों बोल दे रही हूँ, मटेरियली है यहाँ पर वर्ड, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड चीज़ आपको क्या करनी होगी, एडिशनल प्रोसीजर्स करके यू हैव टू कंक्लूड कि जो मैटर है दैट आर नॉट लाइकली टू कॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू बी मटेरियली मिस स्टेटेड। मतलब एक तरह से आपको यहाँ ये देखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होली पूरा मटेरियली मिस स्टेटेड है या कुछ कुछ जगह है, एंड अगर हैं भी तो क्यों है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको एडिशनल प्रोसीजर्स जो हैं वो लगाने हैं। तो एडिशनल प्रोसीजर्स में आप क्या लगाओगे जिसकी वजह से आप ये पता कर पाओगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिस स्टेटेड क्यों हैं, या अगर हैं तो किस एक्सटेंट तक हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एडिशनल इंक्वायरी करोगे और एनालिटिकल प्रोसीजर करोगे ग्रेट डिटेल में, ठीक है। और या फिर आपको कोई और अगर प्रोसीजर ठीक लगता है, टेस्ट ऑफ डिटेल वगैरह, वो भी आप कर सकते हो। और एक चीज़ आपको जो है मैनेजमेंट से हमेशा ले लेनी है, उसके मतलब उससे ये होगा कि आप एक तरह से सेफ गार्डेड रहोगे, दैट इज़ रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो जो प्रैक्टिशनर है ना, वो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि वो जो है
एक रिटन रिप्रेजेंटेशन मतलब लिख कर के दे कि उसने जो है फुलफ़िल कर रखी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रखा है। ऑल्दो ये उन लोगों ने प्री कंडीशंस में भी देखा था, बट स्टिल रिव्यू के टाइम पे भी जो प्रैक्टिशनर है वो मैनेजमेंट से ये रिटन रिप्रेजेंटेशन ले सकता है, और जो प्रैक्टिशनर है वो मैनेजमेंट से ये भी लिखवा सकता है कि अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा केस है जहाँ पर जैसे स्पेशल सर्कमस्टांस का केस था, जैसे फ्रॉड हुआ था, गोइंग कंसर्न का केस था, रिलेटेड पार्टी का था, तो वहाँ पर ना प्रैक्टिशनर रिक्वेस्ट कर सकता है रिटन रिप्रेजेंटेशन को दैट मैनेजमेंट हैज़ डिस्क्लोज्ड अबाउट ऑल दीज टू प्रैक्टिशनर, कि मैनेजमेंट ने प्रैक्टिशनर को इन सब के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा वहाँ पर सिग्निफिकेंट फैक्ट है तो आप ये मैनेजमेंट से लिखवा कर के लोगे कि ये जो भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे जो आपने पकड़े थे, तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये आपने ड्यूरिंग द रिव्यू ही पकड़े हों, हो सकता है कि जब आप रिव्यू करने गए थे उससे पहले आपको मैनेजमेंट ने बता दिया था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, तो फिर आपने वहाँ और अलर्ट होके करा, एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट कि वो आपको ये चीज़ बताए कि यहाँ पर ऐसे ऐसे फ्रॉड के वो हैं, सस्पेक्टेड फ्रॉड है, तो यहाँ हमने ये कंट्रोल्स लगा रखे हैं, हमने ये इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। तो जो जो पार्ट मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से कर रखा है, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस पार्ट के लिए उनसे क्या लो, रिटन रिप्रेजेंटेशन लो। ठीक है, और अगर आपका जो भी रिक्वेस्टेड रिटन रिप्रेजेंटेशन है वो अगर मैनेजमेंट आपको नहीं दे रहा है, तो उस चीज़ के लिए आप मैनेजमेंट से डिस्कशन करो, एंड फिर भी नहीं मान रहे हैं तो रीवैल्यूएट करो कि मैनेजमेंट यहाँ ऐसा तो नहीं कि बदतमीज़ी दिखा रहा है, इंटीग्रिटी ही नहीं है इसमें। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनकी ये लोग रिटन रिप्रेजेंटेशन दे ही नहीं रहे हैं, तो फिर आप ये देखो कि क्या आप एक्शन और ले सकते हो, आपको इसका पॉसिबल इफेक्ट अपने जो कंक्लूड आप करने वाले हो रिव्यू उसमें आप क्या दो, क्योंकि मैनेजमेंट तो ये हो सकता है ना कि आगे जाके कुछ भी कर दे कि इन्होंने ये चेक नहीं किया था, वो चेक नहीं किया था, आप गलत सलत एलिगेशंस लगा दे। तो यू हैव टू प्रिवेंट योरसेल्फ, एंड उसके लिए यू नीड टू हैव रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अप्रोप्रिएट एक्शन देखो, या फिर इस चीज़ का ये देखो कि क्या इम्प्लीकेशन आपके कंक्लूजन में आएगा, तो टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन में भी आपको ये देखना है कि आपको मतलब मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करा है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करें, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे तो वो भी उन्होंने आपको बताया है, एंड अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये देखो कि आपको उनसे मतलब क्या उसका आपको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, पहले तो डिस्कस ही करो, फिर वरना उसका अप्रोप्रिएट एक्शन आप लो। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, दैट इज़ द कंक्लूजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जब आप एक रिव्यू की रिपोर्ट दोगे तो क्या किस तरह से आप कंक्लूजन डिज़ाइन करोगे, तो यहाँ पर जिस तरह से ओपिनियन होती है ना ऑडिट में, इस तरह से यहाँ पर कंक्लूजन्स होते हैं। तो एक होता है अनमॉडिफाइड कंक्लूजन और दूसरा होता है मॉडिफाइड कंक्लूजन। तो अनमॉडिफाइड कंक्लूजन प्रैक्टिशनर कब देता है, जब उसको सारी चीज़ें ठीक मिलती हैं, तो वो ये लिखता है दैट ही हैज़ ऑब्टेन्ड लिमिटेड एश्योरेंस टू कंक्लूड दैट नथिंग हैज़ कम टू हिज अटेंशन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल FRF। तो मतलब उसके नोटिस में ऐसा कोई भी बात नहीं आई है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं है और सब कुछ यहाँ ठीक है, तो तब तो वो क्या दे देता है, अनमॉडिफाइड कंक्लूजन दे देता है। लेकिन अगर वहाँ पर उसको कुछ प्रॉब्लम्स लगती हैं तो वो वहाँ पर देता है मॉडिफाइड कंक्लूजन। अब मॉडिफाइड कंक्लूजन जो होता है वो तीन टाइप का होता है, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। तो क्वालिफाइड कंक्लूजन कब देता है प्रैक्टिशनर, क्वालिफाइड कंक्लूजन तब देता है जब जो भी मिस स्टेटमेंट्स होती हैं ना उसका इफ़ेक्ट कैसा होता है, मटेरियल होता है बट परवेसिव नहीं होता है, या फिर अगर उसको जो है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिल पाया है एंड जो उसका इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो मटेरियल एंड नॉट परवेसिव है। एडवर्स ओपिनियन कब देता है, एडवर्स ओपिनियन तब देता है जब जो भी वो मतलब मिस स्टेटमेंट्स कंक्लूड कर रहा है उसका इफेक्ट मटेरियल भी होता है और परवेसिव भी होता है। और डिस्क्लेमर कब देता है, जब वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन ही नहीं कर पाता है और उसका इफेक्ट जो होता है वो मटेरियल एंड परवेसिव होता है। तो ये तो ओपिनियन की तरह ही है कि जब भी मटेरियल एंड नॉट परवेसिव होगा तब हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, एंड जब भी वहाँ पर क्या होगा मटेरियल एंड परवेसिव होगा तो अगर वो एक एडवर्स कंक्लूजन पे पहुँच रहा है, मतलब उसको ये सफिशियंट कंक्लूजन मिल गया है कि वहाँ पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियली मिसस्टेटेड हैं, तब फिर वो क्या देता है, अगर मटेरियल एंड परवेसिव इफेक्ट है तो एडवर्स कंक्लूजन और मटेरियल एंड परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, और अगर उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता ही नहीं है और इफेक्ट क्या होता है मटेरियल एंड परवेसिव होता है तो डिस्क्लेमर, एंड मटेरियल बट नॉट परवेसिव होता है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। उसके बाद में
जो प्रैक्टिशनर की रिपोर्ट है ये एक तरह से जैसे ऑडिट रिपोर्ट बनती है ना, सेम वैसी होता है, टाइटल एड्रेस वगैरह। बस इसमें एक चीज़ और होती है कि जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, और यहाँ पर ये रिव्यू भी में ये भी लिखते हैं कि यहाँ पर ये लिमिटेड एश्योरेंस देंगे, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेंगे, और यहाँ पर जो प्रोसीजर्स है वो सब्सटेंशली लेस हैं, और यहाँ पर की ऑडिट मैटर, गोइंग कंसर्न, ये सब यहाँ पर नहीं आता है। और एक चीज़ आपको यहाँ नोट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट। डॉक्यूमेंटेशन वाला पॉइंट ये बोलता है कि यहाँ पर आपको ना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, जो भी आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करें उसको डॉक्यूमेंट करना है कि वो जो है वो कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है विद द लीगल रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं। और जब आप ये डॉक्यूमेंट करोगे ना, तो आपको ये देखना है कि किसने परफॉर्म करा एंड किसने रिव्यू करा। फिर जो भी रिजल्ट्स आपको आपके ऑब्टेन हुए वो भी आप करोगे, जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं वो भी आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे SRE में, वो आपका जो इंक्वायरी वाला पॉइंट है ना, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर वाले, वो सारे के सारे प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट हैं और फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो अब इसके बाद में आप क्वेश्चंस कर लो इस SRE के, एंड आई एम श्योर कि आपको जो है ये SRE बहुत अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑडियो में मैं SRE 2410 रिवाइज़ करूँगी, तो वो भी मैं आपको यहाँ अपलोड करके दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।